रविवार को कोसी कला के नंदगांव रोड स्थित महादेव मंदिर पर पहले पांच कुंडीय हवन, ऋग्वेद पारायण और तृतीय विशाल महायज्ञ के आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर 27 दिसंबर तक होने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान प्रेस वार्ता में मौजूद स्वामी अनिरुद्ध महाराज, कस्बे के प्रमुख आचार्य आर.एन. भारद्वाज, पूर्व प्रोफेसर एल.पी. शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी कन्हैयालाल गोयल सहित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पत्रिका कार्यक्रम की रूपरेखा की, पत्रिका का विमोचन किया। पत्रिका के विमोचन करने के साथ साथ महायज्ञ कार्यक्रम में दूर दराज से आने वाले महानुभावों की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। प्रेस वार्ता में मौजूद कार्यक्रम के आयोजकों के मुताबिक पंचकुंडीय प्रथम ऋग्वेद पारायण तृतीय विशाल महायज्ञ के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस महायज्ञ का उद्देश्य श्री राम मंदिर निर्माण के पर्यावरण शुद्धि और जगत कल्याण के हितार्थ के लिए है, जिस कारण समाज को सुख और शांति देने का प्रयास भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के बारे में कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद स्वामी अनिरुद्ध महाराज, आचार्य आर.एन. भारद्वाज और पूर्व प्रोफेसर एल.पी. शर्मा ने जानकारी दी। जो कार्यक्रम का जो कार्यक्रम है, आज पुस्तक विमोचन किया गया, क्या कहेंगे इसका? यज्ञ हम लोगों को बहिर्यज्ञ से अंतर्यज्ञ सिखाता है। बहिर्यज्ञ में एक प्रकार की आहुति दी जाती है, अंतर्यज्ञ में अहम की आहुति दी जाती है। यज्ञ हम लोगों को अपने सामूहिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को कैसे तंदुरुस्त बनाना, पर्यावरण को, अंतर पर्यावरण, अंतर शुद्धि भी कैसे करनी, यह सिखाता है। जरूर यह यज्ञ इसमें अपना योगदान देगा। जैसे कहते हैं कि पहले शब्दार्थ आता है, बाद में मर्मार्थ और बाद में तत्वार्थ आता है। ये जो अग्नि है, वही एक दिन हम लोगों को अंतर अग्नि प्रकट करता है, आत्मज्योति प्रकट करता है। और यह अग्नि जब आत्मज्योति प्रज्वलित होती है, तो उसी के प्रकाश से जीव शिव बन जाता है, जीवन प्रकाशित हो जाता है। यही शुभकामना के साथ यह यज्ञ आरंभ होता है। इसमें जो भी सहभागी होगा, उसको अवश्य यज्ञ की कृपा मिलेगी, योगेश्वर की कृपा मिलेगी और उसके बाद में 53वें सप्ताह में इन्होंने समापन किया, पूर्ण आहुति दी और प्रसाद हुआ था, जिसमें 56 भोग जो है भगवान की लगाई गई थी। उसके बाद में एक वर्ष सौंप किया उनकी बगीची पर, इन्होंने साप्ताहिक यज्ञ किया और उसमें जो समापन हुआ वो यजुर्वेद पुराण के मंत्रों से उसका समापन हुआ था और लास्ट में वही प्रसाद वगैरह वितरण हुआ था। अब तीसरी वर्ष जो है इन्होंने हिंदू इंटर कॉलेज के सामने ये शंकर मंदिर है, उसमें एक वर्ष से ये यज्ञ साप्ताहिक यज्ञ हर रविवार को कर रहे हैं और अब उसके समापन ये ऋग्वेद के मंत्रों से महायज्ञ करके और ये समापन करेंगे। ये यज्ञ जो है 16 तारीख से प्रारंभ होगा, 16 दिसंबर से, जिसमें दीदी माँ ऋतुमरा जी के कर कमलों से ये प्रारंभ होगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण भी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा जी, ये तीनों ही उसमें उपस्थित रहेंगे। और उस 16 तारीख को 8 बजे ये कार्यक्रम होकर के रामायण पाठ का प्रारंभ होगा, 24 घंटे का अखंड रामायण। और फिर 16 तारीख से ये यज्ञ पांच कुंडली यज्ञ बनेगा, पांच यहाँ पर प्राण कुटियाँ बनेंगी, उसमें पांच विद्वान पंडित बैठेंगे और एक जो है मुख्य विवेक उपाध्याय जी होंगे और वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और ये 10 दिन चलेगा। इसमें 10 दिन में पहले दिन से ही 17 तारीख से ही प्रारंभ होगा, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम 3 बजे से 5 बजे तक, ऐसे 10 दिन चलेगा। और 11वें दिन 27 तारीख को 21 कुंडलीय यज्ञ होगा, जिसमें 21 मंडप बनेंगे और 21 विद्वान पंडित बैठेंगे और मुख्य विवेक जी होंगे, और इस तरीके से उस दिन समापन होगा और उसी दिन प्रसाद वितरण वगैरह भंडारा ये सब होगा।